शिवजी से कुछ मांगा नहीं है। भगवान शंकर से कुछ कहा नहीं है। गुनगुन बनना हो रही बात। भगवान शिव से कुछ कहा नहीं है। जब भगवान शिव से कुछ मांगा नहीं, केवल शिवलिंग का निर्माण करना और शंकर भगवान को जल चढ़ाना। आप भी मेरे देवाधिदेव महादेव से कुछ मांगना नहीं, केवल मंदिर तक जाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाओ, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो और वापिस। और यदि मांगने का मौका भी मिल जाए अगर महादेव से, तो इतना जरूर कहना कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बस इतना दे दो कि आप और हम, वो पहले कथा में कहा है, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना, जीवन में तकलीफ कितनी भी आए, कष्ट कितना भी आए, पर तेरा साथ, तेरी कृपा हर पल बनी रहे। प्रसन्न हो गए मेरे देवाधिदेव महादेव। जैसे देवराज ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए थे, और वो देवराज ब्राह्मण जिसने ना कभी शंकर के मंदिर गया, ना कभी जल चढ़ाया, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया, 24 का धन लेकर आया था, वो धन शिवजी के मंदिर में लेकर चले गया। थोड़ी देर शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, छुप कर बैठा रहा, दीवालों में दबत कर बैठा रहा, और फिर जब दब कर बैठा रहा, शिव महापुराण की एक क्षण की कथा उसके कानों में पहुंच गई। मात्र एक क्षण की कथा उसके कानों में गई। चोरी का धन लिया, मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा, प्राण छूट गया। देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आए, देवराज को नंदी पर बिठाया, कैलाश लेकर चले। अब देवराज के मन में एक प्रश्न उठ गया कि ना तो मैं कभी शंकर के मंदिर गया था, ना मैंने लोटा भर के जल चढ़ाया था, ना मैंने कभी बेलपत्र चढ़ाया था, ना कभी मैंने शिवजी की आराधना करी थी, फिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण मुझे कैलाश धाम मिल गया, शंकर जी मुझे नंदी पर लेकर जा रहे हैं, ऐसा मैंने पुण्य कौन सा करा था। तब देव अधिदेव महादेव ने कहा, तूने पुण्य नहीं करा, पर तेरी माता रोज, तेरी माँ प्रतिदिन एक लोटा जल भरकर मेरे मंदिर को चढ़ाती थी, इसलिए तेरी मुक्ति इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो। तेरी मुक्ति ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हुई। परिवार का अगर एक सदस्य भी भगवान शंकर को जल चढ़ा रहा है, उज्जैन के
ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाला शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, दुनिया के लोग कहते हैं पुराण सुनो शास्त्र सुनो तो सात पीढ़ी तरती है, पर उज्जैन ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कहता है शिव महापुराण की कथा सुनने वाला शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने वाला उसकी सात पीढ़ी नहीं तरती, उसकी 71 पीढ़ी तर जाती है। ये शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर का ही गुणगान कर रहा है। शिव महापुराण की यह कथा कह रही है। देवराज प्राण त्यागा और उसको बैकुंठ पद मिल गया, कैलाश धाम मिल गया, और यहां गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो तप साधना करी उसका बल इतना बढ़ता गया कि देवाधिदेव महादेव को प्रकट होना ही पड़ा। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? सभी जाते हो? रख लो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, शिव के द्वार जाइए, अपने दिल की बात कहने के लिए जाइए, ना कहो तो भी एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं, अपने घर का जल लेकर जाते हैं, तो महादेव समझ जाते हैं कि इसकी दशा क्या है और इसको मुझे क्या प्रदान करना है, क्या कहने के लिए आया है, ये देवाधिदेव महादेव जान गए। भगवान शिव पहचान जाते। प्रसन्न हो गए गुरु द्रोणाचार्य, प्रसन्न हो गए, आज मेरा महादेव प्रकट हुआ है, आज मेरा महादेव प्रकट है। महादेव ने कहा गुरु द्रोणाचार्य जी से, मांगो। द्रोणाचार्य जी, मांगो, आपको क्या चाहिए, क्या प्रदान करूं मैं आपको? क्या दिया जाए आपको? गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा धन दौलत संपदा नहीं चाहिए, बस आपके जैसा कोई पुत्र या आप मेरे घर में बेटे बनकर जन्म ले लो, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, आप मेरे घर में बेटे के रूप में जन्म ले लो। भगवान शिव जी ने कहा यह नहीं हो सकता कि मैं आपके घर में जन्म लूं। हां, मेरा एक अंश, भगवान शिव कह रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य से, तुम्हारी धर्म पत्नी कृपी, उस कृपी के गर्भ से मेरा एक अंश जन्म लेगा, जब वो गर्जना करेगा उस गर्जना के कारण उसका नाम अश्वत्थामा कहलाएगा, वो अश्वत्थामा। पर सुनो द्रोणाचार्य, एक गुरु द्रोणाचार्य, एक बात अच्छे से सुन लीजिएगा जरा,
परीक्षा बहुत होगी तुम्हारी और उस परीक्षा में तुम्हें पास होना पड़ेगा।